हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो आज सुबह उठते उठते ही हमने सोचा कि आज पतंजलि तो जाना ही जाना है, इसलिए हम सुबह उठकर पतंजलि पहुंच गए हैं। इस बार पतंजलि का नज़ारा बिल्कुल अलग था और देखने लायक था, क्योंकि बिल्डिंगें द्वारा बन गई हैं। इन बिल्डिंगों में लाइट का करंट लग रहा था, इसलिए बिल्डिंग टूट के द्वारा बनी हैं सारी की सारी। मैं अपनी बारी के इंतज़ार में बाहर बैठी हुई हूँ। ओटी नीचे आ गई है, पहले दूसरी मंजिल पर ओटी थी। और गाइस, भीड़ लगभग उतनी रहती है यहाँ पर। हम हर की पौड़ी से सीधे आए, इसलिए मेरे माथे पे तिलक लगा हुआ है। और यहाँ पे मेरा शौना कर रहा है शैतानी। मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे पहले झरना भी चलता था, जो कि आजकल बंद किया गया है। झरना चलता है तो बहुत मनमोहक दृश्य होता है, और इसके राउंड राउंड घूम रहा, पूरी मस्ती हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि पतंजलि आने के बाद तो तन मन धन सब कुछ हो जाता है भाई। भर्ती होने के लिए बोल दिया गया है, ऑपरेशन होगा मेरा। अब ये नहीं पता किस दिन बारिश, अभी तो बोला 22 तारीख से पहले पहले, लेकिन अब बाद जब हमारे पास समय होगा तब। 10 से 15 दिन भर्ती रहना पड़ेगा। ऑपरेशन तो कितना दिखाओ, ऑपरेशन कंफर्म है गाइस, मेरा वो होके ही रहेगा। कितने दिन से टाल रही थी, मैं बताऊंगी दिखाऊंगी आपको कहाँ का होगा भैया। गाइस अब चलने का समय है, और इनकी ड्यूटी हरिद्वार लगी, छुट्टी थी नहीं, इसी में ही हमने अपनी ट्रिप बनाई थी। और अब हाँ, हमें चंडी के पुल पे करके ये अपनी ड्यूटी के लिए चले गए हैं। और मैं हो गई थी इमोशनल, इसलिए मैंने अपने आप को नहीं दिखाया यहाँ पर। होता ही है यार, पत्नी सिर्फ पत्नी होती है, उसे नहीं नाप सकते। अरे यार, उस बिचारे को निकलने दो। हेलो गाइस, आज हमारी तैयारी हो गई है जाने की। तो जैसे कि हमने बताया था, आज हम रहे हैं जा अपने घर, तो देखिएगा कुछ। ओहो, मेरी माँ ने दर्शन दे दिए। कहीं भी चले जाओ, खास करके मोटा महादेव के पास आते तो ज्यादा ही याद आती है। इस बार के सफर में कहीं भी गए ना, मन ही नहीं लगा बीच बीच। नहीं तो 2 साल हम छुट्टी में आते थे, भैया पीछे से हमें फोन जरूर करता था। गाइस वापस जा रहे हैं आज हम अपने घर। अभी मोटा महादेव से गुजरे हैं यहीं पे, इधर से जाते हुए भी यहाँ भैया की बहुत याद आई, और उधर से आते हुए भी। सारी जिंदगी सताएगी यार। सुबह इसको अक्षय को बुखार हो गया था, तो ये करा रहा था, तो कह रहा कि मम्मी मामा आके, जिस दिन से मामा गए उस दिन से मामा आए नहीं, लेकिन सुबह मुझसे कह रहा है बुखार आ गया तुझे, और बोला ऐसा लगा जैसे मैं मामा से चिपट के सो रहा हूँ। काशीपुर पहुंचने वाले हैं, सब थके हुए थे, रास्ते में कुछ खाना वाना खाया है, और अब लंबा वाला है। गाइस हम अपने रुद्रपुर पहुंच गए हैं, गावा चौक पर। लंबा वाला एक्सीलेटर, बहुत लंबा वाला, और एक छोटा वाला भी हो गया। गाइस अगले दिन थी निर्जला एकादशी, और हम शरबत बांटने के लिए मंदिर के बाहर पहुंचे हुए हैं। और शरबत के लिए फिर बना तो पाई नहीं थी, तो माजा की बोतलें खरीद ली थी, वही हम शरबत वितरण कर रहे हैं। और सबने बड़े प्यार से, चाव से, बड़े सुकून के साथ, बड़े शौक से पिया था। शायद शरबत के लिए तो मुंह भी बना देते, लेकिन माजा सबने बड़े प्यार से पी थी। सुकून मिलता है ये छोटी छोटी चीज़ें करने से। देखो अपनी तरफ से धर्म के कार्य करते रहना चाहिए, बकाया परमात्मा के हाथ है, जिस विध वो राखेगा रहना पड़ेगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।